जमात इस्लामी ने इस मौके पर कहा कि आइंदा इलेक्शन में यूथ के जरिए पोलिंग बूथ पर सरप्राइज देंगे। जमहूरियत के नाम पर नाम निहाज सियासी पार्टियां समाज और जमहूर का मजाक उड़ा रही हैं। 73 बरसों में जालिम इशराफिया ने मुल्क में इस्लामी निज़ाम को नाफिज नहीं होने दिया। महंगाई नाकाबले बर्दाश्त हो चुकी है और बेरोजगारी ने मुल्क में डेरे डाल रखे हैं। सिराजुल हक ने कहा कि पीटीआई ने नौजवानों को धोखा दिया है और बंद गली में धकेल दिया। जमात इस्लामी बल्दियाती इलेक्शन में बड़ी तादाद में नौजवानों को टिकट देगी, जबकि मगरबी इस्तेमार के एजेंटों ने अवाम को गुर्बत और बेरोजगारी के तोहफे दिए हैं। पीटीआई ने मुल्क को कर्जों की दलदल में धकेल दिया है और नौकरियां देने का वादा करने वालों ने लाखों लोगों को बेरोजगार कर दिया है।